सेकंड मैन चैप्टर थ्री एडिशन सॉरी चैप्टर नंबर थ्री नहीं चैप्टर नंबर आपका फोर चैप्टर नंबर थ्री देखिए चैप्टर नंबर फोर में था सबट्रैक्शन चैप्टर फोर देखिए सबट्रैक्शन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे चैप्टर नंबर फोर था आपका सबट्रैक्शन था एक्सरसाइज फोर ही हमने आपको बता दिया था और सबट्रैक्शन की जो जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। अब अगला जो टॉपिक है लिखा है सबट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। देखिए अगर आपको थ्री डिजिट नंबर्स का सबट्रैक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे? लिखा है सबट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स। चलिए इसको हम समझाने जा रहे हैं। लिखा है सबट्रैक्शन बाय यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए इस सबट्रैक्शन में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको जो है फिगर्स में हम लोग या वर्ड में कैसे लिखते हैं फिगर्स में कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब चलिए इसी को जब आपको वर्ड में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसी में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करना है। लिखा है लेट अस सबट्रैक्ट 223 फ्रॉम 350। देखिए आप जब भी सबट्रैक्शन करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे। कभी भी फर्स्ट से सेकंड को सबट्रैक्ट नहीं किया जाता है। फर्स्ट से सेकंड क्योंकि वन में से टू नहीं जाएगा। वन में से अगर वन फिंगर है तो आपसे कहा जाए कि टू माइनस करना तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी सबट्रैक्शन होगा तो सेकंड में से फर्स्ट नंबर को हम लोग माइनस करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए पहले एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करते हैं। पहले लिखा है 350 तो ये जो है आपका 1 से ये 10 से ये 100 तो 300 प्लेस पे है 5 टेंस प्लेस पे और 8 वंस पे है। इस सबको अलग अलग करिए आंसर में 300 क्योंकि अब वर्ड में हम इसको हम लोग देखिए वर्ड लिखते हैं 300 प्लस का 5 टेंस और प्लस का 8 वंस हो गया। समझ में आया आपको? हमने जो थ्री डिजिट का नंबर है इसमें हम लोग जब सबट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो कह रहा है यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करना है। सबसे पहले एक नंबर ये 223 फ्रॉम 358 इट मींस कि 358 में से 223 को दूर करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही आपका डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले अपने नंबर को क्या है ये थ्री डिजिट का नंबर है उसका 8 वंस प्लेस पे 5 टेंस प्लेस पे और 300 प्लेस पे तैयार करते हैं 300 प्लस का 5 टेंस प्लस का 8 वंस। इसी तरह अगला नंबर है 223 तो 223 को वही चीज है देखिए वंस के नीचे 3 है टेंस के नीचे 2 है 100 के नीचे 2 है तैयार करेंगे ये 200 प्लस का 2 टेंस प्लस का 3 वंस। अब आपको देखिए हर नंबर को आपने एक्सपेंड कर दिया अब आपको सबट्रैक्ट करना है। पहले हम माइनस करेंगे क्या लगाएंगे माइनस। अब ये जो एक्सपेंड है ये वर्ड में ये 100 टेंस और वंस जो लिखे हैं ये वर्ड में। अब आपको माइनस करना है सबसे पहले क्या करेंगे 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा यहाँ वंस को उसी तरह लिखेंगे। अब 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 टेंस हो जाएगा बीच में प्लस होगा। फिर उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा
जब इस तीनों को आप तीनों नंबर को मिलाएंगे तो आपका आंसर होगा 125। इट मींस कि 358 में से अगर 223 माइनस करेंगे तो आपके पास 135 बचेगा। लिखेंगे 100, लिखेंगे 358 माइनस 223 इक्वल टू 135। देखिए हमेशा आप याद रखें, रिमेंबर का मतलब होता है हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज को। रिमेंबर का मतलब होता है इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, वंस को करेंगे, पहले वंस को करेंगे, फिर उसके बाद वंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद टेंस होगा, और फिर जब टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका 100 में आ जाएगी। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले वंस को करेंगे, वंस को करने के बाद फिर टेंस का करेंगे, और टेंस को करने के बाद फिर 100 में आएंगे। इस तरह से आप जब 100 टेंस और वंस को जो नंबर जब एक साथ मिला के लिखेंगे तो आपका इस समय 100 टेंस और वंस को एक साथ मिला के नंबर लिखा तो 1 है, क्योंकि 100 में 1 है तो वहां पे 1 लिखिए, टेंस में 3 है यहां पे 3 लिखिए, और वंस में 5 है तो 5। इस तरह से 358 में से 223 को जब हम माइनस कर रहे हैं तो आपको 135। तो इस तरह से यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। इसलिए आइए एक्सरसाइज, अब आइए एक्सरसाइज। इसी तरह इसमें भी एरो दिया है, 300 प्लस का 1 टेंस प्लस का 1, आपको इसको माइनस करना है। क्या आपको इसको माइनस करना है, सबसे पहले वंस को आप माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1, फिर टेंस में ये 3 में से 1 गया 2 टेंस हो जाएगा, और 100 में ये हो जाएगा 100। तो नंबर क्या आएगा, देखिए टेंस में ये 1 है, तो यहां देखिए ये आपका 1 है, ये टेंस है, ये 100 है, तो 2 में से 1 गया 1 हुआ, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि टेंस में 2 मिला और 100। इस तरह से आप करेंगे, तो इसमें ही हमने पहला आपको करके बता दिया, दूसरा आपको करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको सब्ट्रैक्ट करना है साथ में एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करना, इसमें वही चल रहा है, लिखा है 2 माइनस 10। इसमें देखिए अब आप सबसे पहले यहाँ के 218 और यहाँ पे लिखिए 105, यहाँ माइनस लगा के अब इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करिए। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हमने ये लिखा है उसी तरह आपको लिखना है, यहाँ 200 हो जाएगा प्लस का 110 प्लस का 81 हो जाएगा, फिर अगला यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस का 010 प्लस का 51।
अब इसको आप माइनस करिए यहीं पे या माइनस करिए, एट में से फाइव का थ्री कौन सा होगा, वन में से जीरो जाएगा तो प्लस का वन टेन होगा, और टू में से वन जाएगा तो यहाँ पे वन हंड्रेड हो जाएगा। तो देखिए वन में थ्री है, यहाँ देखिए एट में से फाइव का ये भी आपका वन टाइम्स हंड्रेड है, एट में से फाइव पे यहाँ थ्री आ जाएगा, देखिए थ्री वन में थ्री आएगा, देखिए वन में थ्री आएगा टेन देखिए वन है, वन में से जीरो जाएगा तो वन आ जाएगा, देखिए टेन में भी वन आ गया, हंड्रेड में से वन लिखा है तो टू में से वन जाएगा वन। इस तरह से 218 में से अगर 105 को माइनस करेंगे तो 113 आएगा। देखिए ये आपका सब्ट्रैक्ट है और ये आपका एक्सपेंडर फॉर्म है, आपको इसमें जो भी सबट्रैक्शन निकालना है उसमें एक्सपेंडर फॉर्म का यूज करना है। चलिए पहला हमने आपको बता दिया, चलिए एक और आपको बता देते हैं, ठीक है एक और हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिया है। ठीक है हमने दिया है 587 माइनस 230 होता है, तो पहले आप देखेंगे 587 माइनस 230 यहाँ पे आएगा, देखिए 500 प्लस का 8 टाइम्स प्लस का 7 माइनस हो गया। इसी तरह अगला नंबर है 200 प्लस का 3 टाइम्स प्लस का 4 वंस। अब इसको माइनस करिए, देखिए यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और एक्सपेंडर फॉर्म का यूज भी कर रहे हैं, तो 7 में से 4 जाएगा 3 वंस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का गणित, फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 100 में 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो देखिए 1 में 3 आया तो 7 में से 2 जाएगा यहाँ 3 आया, 10 में 5 आएगा 8 में से 3 जाएगा यहाँ 5 आएगा, 100 में 3 आया तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो आपका आंसर 300। तो इस तरह से हमने आपको दो बता दिए, अब आगे आइए, चलिए एक और आपको समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आया चलिए एक और आपको समझा दे रहे हैं। चलिए एक और लास्ट आपको समझा दे रहे हैं, जिसका 848 माइनस 225 325 क्या लिखिए, 848 माइनस 325 यानी कि 800 प्लस का 4 टेंस प्लस का 8 वंस, फिर यहाँ पे हम 300 प्लस का 2 टेंस प्लस का 5 वंस। चलिए 8 में से 5 जाएगा तो 3 वंस होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 टाइम्स होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 500 हो जाएगा या माइनस है, तो उसी तरह देखिए 1 में 3 आया है तो 8 में से 5 जाएगा है 3 आ जाएगा, 10 में 2 आया है 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया, देखिए 2 लिखा हुआ है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हुआ, तो यहाँ भी 8 में से 3 जाएगा 5, इस तरह से 523 आपका होगा। तो हमने आपको एक्सरसाइज 4 में वर्ड में हम लोग कैसे करते हैं और वर्ड में देखिए वर्ड में लिखा गया है और जब आप इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो ये फिगर में देखिए दोनों चीज ये आपका वर्ड में लिखा गया है और यहाँ पे जो है आपका ये फिगर्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज 4B में आपको दोनों चीज करना है, आपको एक तरफ फिगर्स में भी दिखाना है और दूसरी तरफ वर्ड में भी दिखाना है।
तो दो एक्सटर्नल फॉर्म में दोनों चीज होती है, वर्ड में भी दिखाया जा सकता है और फिगर में भी दिखाया जा सकता है। इसमें आप क्या दोनों यूज करना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4 भी हमने फिनिश किया। अब देखिए यहाँ अगला जो है टॉपिक लिखा है सब्ट्रैक्शन विदाउट बॉरोइंग। देखिए जो अगला टॉपिक है आपको सब्ट्रैक्शन बिना बॉरो लेना, बॉरो मतलब होता है उधार लेना। अगर कोई चीज आपके पास है, अगर कोई चीज आपके पास है तो आपको दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप दूसरे से लेते हैं। जैसे क्लास में बच्चे जब पढ़ते हैं तो हर बच्चे रोज आते हैं, तो जब रोज आते हैं तो कोई पेंसिल भूल जाता है, कोई रबर भूल जाएगा, कोई पेन भूल जाता है। तो जब आपके पास नहीं होता तो अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मुझे पेन दे दो, हम लिख लें। पेंसिल नहीं, भाई पेंसिल मुझे दे दो, मैं पेंसिल से लिख लूँ। रबड़ नहीं है तो रबड़ से अपना जो भी गलत है उसको आप मिटा लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई चीज नहीं होती तब आप दूसरे की हेल्प लेते हैं। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे हमें बॉरो लेने की जरूरत होती है वहीं पे हम बॉरो लेते हैं, और जहाँ पे हमें बॉरो लेने की नहीं जरूरत होती वहां पे हम लोग बिना बॉरो के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे दिया है Let us subtract 132 from 286. देखिए 286 में से 132 को आप ऐड करना है। इसके लिए सबसे पहले तीन कॉलम बनाइए, 1s, 10s और 100. सबसे पहले 286 minus 132. अब देखिए यहाँ पे बॉरो तभी लेते हैं जब हमें जरूरत होती है। अगर हमें नहीं जरूरत है तो हम बॉरो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वंस की कॉलम है, वंस में 6 और 2 है, टेंस में 8 और 3 है, 100 में 2 और 1 है। तो वंस की कॉलम से स्टार्ट करते हैं, 6 में से 2 जा सकता है क्योंकि आपके पास 6 फिंगर है, उसमें से अगर आपको 2 कट करना है तो आपके लिए आसान है। लेकिन 2 में से 6 अगर ये सपोज करिए कि ये नंबर ऊपर होता और 6 नीचे होता तब आपको बॉरो लेने की, क्योंकि 2 में से 6 नहीं जाएगा तब आपको बॉरो लेने की जरूरत होती। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से 2 हमें कट करना है तो हमें बॉरो लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सब्ट्रैक्शन है बिना बॉरो का है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने बिना बॉरो के सब्ट्रैक्ट किया। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द 1। सबसे पहले आप 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे क्या होगा, 6 वंस में से 2 वंस को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 वंस बनेंगे। यहाँ पे आपको बॉरो नहीं लेना पड़ा क्योंकि 6 में से 2 जाएगा 4, इसी तरह आगे। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द 10s, आपको 10s में आए तो 10s में कोई चीज है, 8 10s में से हमने 3 10s को माइनस किया तो आपके पास 5 टेंस बचा। यहाँ भी हम बॉरो लेने की जरूरत नहीं है। अब 100 में आए देखेंगे सब्ट्रैक्ट द 100, जब 100 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, ये 200 है माइनस 100, ये आपका 100 बचा। यहाँ भी आपको बॉरो लेने की जरूरत नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कि 286 में से 132 को माइनस करेंगे तो 154 आपका बचा, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमें बॉरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी और
जब हमें बॉलो लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो हम आराम से इसको माइनस कर दिए और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 150। इस तरह से आज का टॉपिक कर इतना है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर अगले वीडियो में हम आपको बॉलो वाला सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।